फ्रेशर है तो भी आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके अंदर दोस्तों जो सैलरी होने वाली है 900 यूरो जो है आपकी सैलरी होने वाली है बेसिक। और बाकी दोस्तों समटाइम्स ऐसा होता है काफी सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि वो लोग खुद अपनी तरफ से जो है वर्क परमिट अप्लाई करें। दोबारा जो है वर्क परमिट, स्वागत है आप लोगों का A to Z सर्विसेज में। यहाँ पर हम लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन एजेंट्स आपसे लाखों रुपए लेकर आपको बताते हैं। आप लोग का A to Z सक्सेस में एक बार फिर। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो लेकर मैं प्रेजेंट हो गया हूँ आपके सामने स्लोवाकिया से। दोस्तों जैसा कि मैंने पुरानी रिसेंट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी जो अल्बानिया वाली वीडियो थी ये वाली, इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन की थी। वहां पे एल्यूमिनियम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी और अच्छी खासी आपको ठीक ठाक सैलरी भी वहां पर मिल रही थी। इसके अलावा ओवरटाइम की फैसिलिटी थी, फूड अकोमोडेशन सब कुछ फ्री था। तो जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अब तक जो है उस वीडियो को वॉच आउट नहीं किया, इस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिए दोस्तों, आपके काम आ सकती है। बाकी अगर आपके काम नहीं भी आ रही है तो जो वीडियो दोस्तों आप लोग देखते हैं उसको काइंडली शेयर कर दिया करें ताकि किसी ना किसी का भला हो सके, किसी ना किसी को तो जरूरत होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं स्लोवाकिया से। स्लोवाकिया के अंदर जो है कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जो है लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, मैन पावर उनको चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो है प्रोडक्शन वर्कर्स का काम हो सकता है, आपका जो है जो टूल्स होते हैं ठीक है जी, या फिर जो पार्ट्स होते हैं उनकी पैकिंग हो सकती है, या फिर आपको जो है कुछ मशीनरी जो है उसको भी असेंबलिंग का काम मिल सकता है। तो आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग जो है फ्रेशर हैं तो भी आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों जो वर्क परमिट पीरियड होएगा इसके अंदर एक साल का प्रकार रहने वाला है। एक साल का दोस्तों आपका वर्क परमिट पीरियड होएगा, प्लस जो आपका परमिट होएगा वो रिन्यूअल होएगा। ठीक है जी। और इसके अंदर दोस्तों बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, एटलीस्ट इतनी इंग्लिश कि आप अपनी इंट्रोडक्शन किसी को दे सकें। ठीक है जी। और इसके अंदर दोस्तों जो सैलरी होने वाली है 900 यूरो जो है आपकी सैलरी होने वाली है बेसिक। और इसके साथ साथ 8 घंटे प्लस ओवरटाइम का जो है आपको आपका शेड्यूल टाइमिंग जो है वो आपकी 8 घंटे होगी, प्लस ओवरटाइम की फैसिलिटी दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। 21 से 45 ईयर्स तक की जो है एज लिमिट इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों रखी गई है। तो जो भी लोग जो है स्लोवाकिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एज लिमिट का खास करके ध्यान दें, 21 से 45 ईयर तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अकोमोडेशन दोस्तों आपको जो है इसके अंदर कंपनी की तरफ से बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी, बट फूड के लिए मैं नहीं जानता हूँ, हमारे पास कोई भी अपडेट अभी है नहीं है। तो फूड की इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी भी और तरह की डिटेल्स के लिए जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है नीचे नंबर दे दिया है, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो स्लोवाकिया है एक शेंगेन जोन के अंदर है, ठीक है। तो आपका जो वर्क परमिट है वो जो शेंगेन जोन के अंदर होएगा, तो आप समझ ही गए होंगे शेंगेन जोन के अंदर आपको और काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स जो है मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों समटाइम्स ऐसा होता है काफी सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि वो लोग खुद अपनी तरफ से जो है वर्क परमिट अप्लाई करें। दोबारा जो है वर्क परमिट का टोटली ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए दोस्तों आप जो है इस वीडियो को जरूर वॉच आउट कीजिए। ये जो वीडियो है चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अब तक देखी नहीं है इसको वॉच आउट करें और समझें कि वर्क परमिट का प्रोसेस जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है जी। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों अगर आप जो है शेयर करेंगे, शेयर करने में कुछ भी आपका जाएगा नहीं, बट किसी ना किसी की मदद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको भी जरूरत होती है। तो दोस्तों बाकी दोस्तों आप लोग जो है वीडियोस के डाउन में कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियोस किस तरह की लगी है। ठीक है जी। आप अपना नाम, अपना शहर का नाम लिखकर जो है कमेंट कर सकते हैं, हमको भी पता चलेगा हमारी वीडियोस कहां कहां तक जो है लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।